हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन पर। मैं हूँ रेखा प्रयागराज से। आप मेरे बालों की हालत देख सकती हैं, हो सकता है कैमरे में उतना रफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गया। ड्राई होने के पीछे कारण ये है, जो कि इमेज एक शो हो रही है, ये है मेरी 2 दिन की जन्मदिन की है, जब मैंने अपने बालों में बहुत सारा कर्ल्स किया हुआ था, थोड़ा लुक चेंज करने के लिए बाल काफ़ी ड्राई हो गए थे। तो आज मैं करा रही हूँ हेयर स्पा, और आज का जो हेयर स्पा, यहाँ पे आप स्ट्रिक्स का प्यूरिफाइंग शैम्पू प्री ट्रीटमेंट लिखा है, और यहाँ पे डीप नरिशिंग क्रीम बाथ लिखा हुआ है, जो कि फॉर ड्राई हेयर्स के लिए है। ठीक है, तो आज हम ये क्रीम यूज़ करेंगे बालों को नरिश करने के लिए, मॉइस्चराइज़र देने के लिए। ठीक है, तो आज हेयर स्पा करने वाले हैं। ये आपके बालों को सॉफ्ट करेगा, मुलायम करेगा, हाइड्रेट करेगा, और आपके बालों को शाइन देगा, मॉइस्चर देगा। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें प्लस इसके साथ हेड मसाज मिल जाएगी, तो काफ़ी अच्छा रिलैक्स मिल जाएगा और आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। ठीक है, तो आज का जो हेयर स्पा हो रहा है, ये मेरी स्टूडेंट कर रही हैं, जो कि अभी 1 मंथ या 2 मंथ के आसपास इनको सीखते हुआ है, तो अभी उतना क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें सब अच्छी होंगी, बस जो मसाज है वो दूसरी स्टाफ करेंगी, और इसमें कुछ थोड़ा सा क्लियर नहीं है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ मसाज की वीडियो डालेंगे कि हेयर स्पा में क्रीम अप्लीकेशन करने के बाद हम मसाज कैसे करते हैं। ठीक है, तो वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा, जो है आज मेरी स्टाफ ने किया था, तो वो आज आप देख लीजिएगा, बाकी बहुत क्लियर, क्योंकि आज मैं हर स्टेप्स के साथ जो हर स्टेप्स का जो नाम होता है वो नहीं कर रही हूँ, कल की वीडियो में मैं करूँगी, तो जो स्टेप्स का जो नाम होगा साथ ही साथ करती जाऊँगी और आपको बताती हुई जाऊँगी, या तो डमी पर करूँगी या तो रियल किसी के ऊपर करूँगी। ठीक है, तो आज मैं म्यूजिक ऐड करूँगी। सबसे पहले प्रोसेस बता दे रहे हैं, सबसे पहले आपको कोई भी ट्रीटमेंट देने से पहले, कोई भी प्रोसेस करने से पहले, हमेशा आपको जो है अच्छी तरह से जो भी चीज़ें करने जा रही हैं उससे पहले, जैसे हमने जो हेयर वॉश करने जा रहे हैं, तो गर्दन पर जो है शोल्डर पर हमें टॉवल रखनी होती है, ताकि पानी जो थोड़ा बहुत हो वो बॉडी के अंदर ना जाए। कान में आपको एयर कैप मिलता है, उसको लगा लेना, या कि कॉटन डाल लेनी, ताकि कान में भी पानी ना जाए। ठीक है, फिर हम कर रहे हैं प्यूरिफाइंग शैम्पू प्री ट्रीटमेंट, जिसमें लिखा होता है, जो कि आपका कोई भी ट्रीटमेंट करने से पहले का प्रोसेस होता है, जिसमें आपको शैम्पू करना होता है। शैम्पू करने के पीछे रीजन ये होता है कि आपके स्कैल्प और आपके हेयर्स के जो क्यूटिकल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे, ताकि जो भी प्रोसेस आप कर रही हैं, जो भी स्टेप्स आगे करने वाली हैं, वो अच्छी तरीके से आपका कोर्टेक्स लेयर में हो सके। ठीक है, यानी कि सेकेंड लेयर, हमारे बालों की 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शैम्पू आपको करना है। अब यहाँ पे देखते हैं कि शैम्पू कितनी बार करना है। अगर आपके बालों में ऑयल लगा हुआ है, तेल लगा हुआ है, आपने एक दिन पहले नाइट में हेयर ऑयलिंग की हुई है, तब तो आपका बाल एक बार में वॉश नहीं होगा, आपको 2 से 3 बार वॉश करना पड़ेगा। अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा ऑयल है, तो आपको 3 से 4 बार वॉश करना होगा इसी प्यूरिफाइंग शैम्पू से, ताकि आपकी क्यूटिकल ओपन हो, और जो भी आप इसके बाद वाला स्टेप्स करने वाली हैं, आप नरिशिंग क्रीम लगाने वाली, ताकि आपके कोर्टिक्स लेयर में जाके मॉइस्चर पहुंचे और आपके बाल हेल्दी हो जाएं, शाइनी हो जाएं, सिल्की हो जाएं, बालों को मॉइस्चर मिले। तो इस वजह से, तो यहाँ पे हमने जो किया था वो बिल्कुल भी ऑयल नहीं था, नॉर्मल हल्का सा ही गंदा था, तो आप उसमें हमने एक बार शैम्पू, 1 से 2 बार अच्छी तरह से शैम्पू हो गया, बाल क्लीन हो गए, स्कैल्प क्लीन हो गया। तो यहाँ पे मैं इसको वॉश करते हुए इसलिए दिखा रही हूँ कि आप नॉर्मली वॉश तो मैंने बोल दिया, लेकिन वॉश कराते वक्त भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन्हें आपको ध्यान रखनी होती हैं, क्लाइंट को किसी भी तरीके की असुविधा नहीं होनी चाहिए। देखो, एक शैम्पू कराना भी एक तरीका होता है, किसी को शैम्पू चेयर पर बैठाना और उसके आगे के स्टेप्स, फिर शैम्पू कराने के बाद कैसे उसको हैंडल करना, वो भी एक प्रोसेस होता है। तो एक दिन मैं बहुत डिटेल में मैं खुद करूँगी तो आपको बताऊँगी। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोग चैनल पर नए हैं, प्लीज़ इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरीके की आपको वीडियो मिल सके। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। तो यहाँ पे शैम्पू करने के बाद बालों में जो भी पानी एक्स्ट्रा है, उसको आपको शैम्पू चेयर पर ही निकाल देने हैं, और फिर उसके बाद टॉवल में लपेट कर आपको शैम्पू चेयर पर बैठाना है। ठीक है, अच्छी तरीके से बालों का पानी निकाल देना है। ठीक है, इस तरीके से शैम्पू चेयर पे बैठाने के बाद अब इसको टॉवल ड्राई करना है। यहाँ पे कोई ड्रायर नहीं करना है, सिर्फ टॉवल ड्राई करना है। ठीक है, आपकी जो तौलिया होनी चाहिए, जो आपकी टॉवल होनी चाहिए, वो ऐसी होनी चाहिए जो पानी को ज़्यादा सोखे। सैलून में हमेशा आपको टॉवल ऐसी रखनी चाहिए जो पानी को ज़्यादा से ज़्यादा सोख सके।
ठीक है। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से आपको हल्के हल्के हाथों से ऐसा रफ करते हुए बालों को सारा बालों में से जो भी पानी है उसको एक्स्ट्रा निकाल लेना। यहाँ पे ड्राई बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम लगाएंगे एप्रन। एप्रन इसलिए लगाएंगे, जो भी क्रीम हम लगा रहे हैं वो मिक्स नहीं। यहाँ पे आप देख सकती हैं मैंने क्रीम निकाली, इस बीच की वीडियो थोड़ी सी शूट नहीं हो पाई और इसमें मिक्स किया था सीरम। तो सीरम आपको लगभग एक चम्मच के आसपास सीरम मिक्स करना है। सीरम अगर आपने स्ट्रेटनिंग वाले बाल हैं तो आप स्ट्रेटनिंग वाले अपने सीरम यूज़ करने हैं। तो यहाँ पे बालों को थोड़ा सा कॉम कर लेना है, पैनल ब्रश से आपको करना है और नीचे से शुरू करते हुए ऊपर जाना है, क्योंकि आपके बाल उलझे हुए होते हैं शैम्पू के बाद, ठीक है। तो अगर उलझे हुए रहेंगे तो आपको क्रीम लगाते हुए नहीं बनेगा। तो इसलिए यहाँ पे आप क्रीम लगाने से पहले हल्का सा पैनल ब्रश से नीचे से शुरू करेंगे तो आपके बाल नहीं टूटेंगे और ना ही उलझेंगे, ठीक है। तो अच्छे से टैंगल फ्री हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्रीम में क्यों मिलाया, अगर आप चाहें तो विटामिन ई की कैप्सूल या हेयर कैप्सूल आते हैं उसको आप मिला सकती हैं, और इसमें आप सीरम मिला सकती हैं। इसको हमने इसलिए मिलाया ताकि एक्स्ट्रा आपको मॉइस्चर आपके बालों को मिल सके, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके बालों को मॉइस्चराइज करती हैं, साइन देती हैं, ठीक है। तो इस वजह से आप इसमें कोई भी चीज़ें ऐड कर सकती हैं, जितनी ज़्यादा चीज़ें ऐड करेंगी उतनी ज़्यादा आपके बालों को मॉइस्चर मिलेगा। नहीं भी करती हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपकी जो क्रीम है वो ऑलरेडी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो यहाँ पे टैंगल फ्री करने के बाद फिर आपको सेक्शन लेकर, तो यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक ये हो गई थी कि जो स्टूडेंट थी वो वीडियो लगाने की शूट नहीं हो पाई थी। तो मैं कैसे लगाना है ये नेक्स्ट वीडियो में देखूंगी। अभी हम देखते हैं मसाज कैसे करें।
जनरेट होगी जो भी हम भाप देने वाले हैं वो अंदर रहेगी और आपकी आपको बेनिफिट पहुंचा सकेगी। अभी इसमें क्या देखते हैं, इसमें हम इसलिए अपने बालों को स्टीम दे रहे हैं, स्टीम आपके अंदर ही लॉक रह सके इसलिए हम इसको कैप को पहन रहे हैं। तो यहाँ पे जो हेयर कैप पहन रही हूँ ये पहनने से, अगर आपके पास ये है तो आप ये पहनिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप टॉवल को एक लगा लीजिए, उसके बाद स्टीम ले, वो टॉवल को आप पानी में डालिए, पानी से पानी में सारा पानी निचोड़ दीजिए, सिर्फ टॉवल गीली होनी चाहिए, फिर उसको रख के फिर आप स्टीम दीजिए तो आपको जो है स्टीम अच्छे से मिल जाएगी, क्योंकि आप डायरेक्ट स्टीम देती हैं तो आपको एक्स्ट्रा स्टीम ज़्यादा मिल जाएगी तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे हम जो स्टीम लेंगे वो सिर्फ 2 मिनट, क्योंकि हमारे बाल ऑलरेडी ड्राई हैं तो हम अगर ज़्यादा लेंगे तो हमारे बाल ड्राई हो सकते हैं। अभी यहाँ पे वो लोग 5 मिनट ले सकते हैं जिनके स्कैल्प हेयर्स बहुत ज़्यादा ऑयली हैं और जिनको डैंड्रफ की बहुत ज़्यादा समस्या है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ 2 मिनट लिया था और 5 से 7 मिनट मैंने वेट किया था नॉर्मल टेम्परेचर पर लाने की। कभी भी आप हीट पर, हीट से डायरेक्ट कूल में नहीं जा सकते, तो इसलिए आपको नॉर्मल टेम्परेचर पर को मेंटेन करने के बाद ही आपको वॉश करने के लिए जाना है। तो अब क्रीम पूरी तरीके से आप देख सकती हैं कि एब्जॉर्ब हो चुकी है बालों में। तो यहाँ पे अब आपको सिर्फ खाली पानी से अच्छी तरीके से क्रीम को निकालना है, बहुत अच्छी तरीके से 2 से 3 बार में अच्छे से मलमल के इमल्सिफिकेशन कर करके आपको अच्छे से क्लीन कर देना है। अब आप चाहें तो हेयर मास्क लगा सकती हैं, यहाँ की नीड बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कंडीशनर भी आप चाहें तो लगा सकती, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ऑप्शनल है। आपको एक्स्ट्रा और ज़्यादा अपने बालों को प्रोटेक्ट करना है और अच्छा करना है तो आप यहाँ पे ये दोनों चीज़ें कर सकती हैं, वरना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी जो ये क्रीम है ये ऑलरेडी हमारे मास्क से लेकर कंडीशनर सब सारी चीज़ों का काम ये ऑलरेडी कर चुकी है, ठीक है। बाकी मास्क आपको लेना है तो आप ऑप्शनल है, आप लगा सकती हैं। तो यहाँ पे इसको अच्छे से रिमूव करने के बाद फिर हम यहाँ पे टॉवल ड्राई करेंगे। टॉवल ड्राई करने के बाद ड्रायर नहीं करेंगे, अगर हमें करना भी है तो कूल ड्रायर करने के साथ इसको सुखाएंगे, हीट ड्रायर नहीं करेंगे, नहीं जितना भी मॉइस्चर हमने दिया है वो सारे मॉइस्चर्स हमारे बालों से फिर से निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस था। अब हमने जो स्टीम ली थी तो हमारे बाल ऑलरेडी ड्राई थे, तो हमने इसलिए लिया था क्योंकि हल्का फुल्का डैंड्रफ था तो वो निकल जाएगा और कोई किसी भी तरीके के बैक्टीरिया होंगे वो निकल जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि हमने जो ये क्रीम लगाई थी ये अच्छी तरीके से बालों में एब्जॉर्ब हो सके, हीट आएगी तो क्यूटिकल खुलेंगे और अच्छी तरीके से ये क्रीम पेनिट्रेट होगी, जिसकी वजह से हमारे बालों को मॉइस्चर मिलेगा, शाइन मिलेगी। तो उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पे वॉश करने के बाद टॉवल ड्राई करके, अब बाद में आप लास्ट में बालों को देखेंगे। अब मैं म्यूजिक ऐड कर रही हूँ, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कॉमेंट कर सकती हैं।